बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद परवेज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के बाद एक बड़ी जंग का शिद्दत अख्तियार कर गई और रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफ़ी नुकसान अभी तक उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद काफ़ी यूक्रेनी जो है वो बेघर हो चुके हैं यूक्रेन की वजह से। कि नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि लड़ाई में 198 यूक्रेनी मारे गए हैं, जो कि नाज़रीन एक दिन पहले 137 से जबकि 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के अंदर से कुछ लोगों ने खुद अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं, जहां पहले ही बड़े पैमाने पर खरूज के आसार मौजूद हैं। 1 लाख लोग के करीब जो लोग हैं नाज़रीन, वो पोलैंड की तरफ जा चुके हैं और इतने ही लोग वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। और साथ नाज़रीन, यूक्रेन ने रूस पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी क्रेमलिन ने तरदीद कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ रूस का रिएक्शन सामने आया कि रूसी वजीर दिफा ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इसे यूक्रेन के तमाम शोबों में पेशकदमी के अहकाम हैं, और साथ ये दावा किया है कि इसके हमले रूसी सदर के हुक्म पर आर्जी तौर पर रोक दिए गए थे। लेकिन नाज़रीन, अभी तक इस तरह कुछ नज़र नहीं आया जिस तरह के दावे किए जा रहे थे। क्रेमलिन ने दावा किया है कि पुतिन ने रूसी फौजियों को जुम्मे की सपैर अपनी पेशकदमी रोकने का हुक्म दिया है, ताकि यूक्रेन के साथ बातचीत की इजाज़त दी जा सके। जबकि क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि पुतिन ने फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि यूक्रेन ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। यूक्रेनी काम ने नाज़रीन इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि वो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। नाज़रीन, रूस ने ये हमले वाज़ह तौर पर नहीं रोके, वो मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और नाज़रीन, मगरबी तजयकारों ने पेशनगोई की है कि रूस को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन हमलों के दौरान, रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के सर तस्लीम खम करने के लिए तशद्दुद में तेज़ी से इजाफा कर सकता है। रूस के दावों के जवाब में यूक्रेन सदर के मशीर यूल्डल पाक ने कहा है कि वो रूसी दावों की तरदीद करते हैं कि यूक्रेन ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, और साथ ये भी कहा है कि ये दावे रूसी सदर की हिकमत अमली का हिस्सा है। जबकि यूल्डल पाक ने तस्लीम किया कि कोई भी लामहाला मुज़ाकरात के साथ ख़त्म होती है। उसने मजीद यह कहा है कि रूस मुज़ाकरात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानब अमेरिका रूस के मरकजी बैंक पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहा है, लेकिन इस पर अभी तक ख़त्मी है फैसला नहीं कर सका। वाइट हाउस के अहलकार अपनी शराकतदारी के साथ मिलकर इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट हाउस ने नाज़रीन पहले ही हालिया दिनों में रूसी बैंकों पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद की थीं, लेकिन बैंक ऑफ रूस जो बुनियादी तौर पर मुल्क की करेंसी के इस्तेमाल का तहफ़ करता है, इस पर पाबंदी बड़ा इकदाम होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आया, और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की इमदाद के लिए $350 बिलियन दफाई पैकेज की मंजूरी दी है। ये वाइट हाउस ने जुम्मे की शाम को ऐलान किया है। पैकेज में एंटी मिज़ाइल आर्मर बशमूल टैंक, शकन जूलन मिज़ाइल, छोटे हथियार और जिस्मानी कूच शामिल हैं। जिन यूक्रेन की हुकूमत ने बताया, अमेरिका ने पहले ही गुज़िश्ता साल यूक्रेन को $650 मिलियन की दफाई इमदाद फराहम की थी, जिसमें जूलन मिज़ाइल शामिल थे जो इस वक्त रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेरा हुआ है और यूक्रेन के काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर चुका है, जिनमें डोंबास के एरिए शामिल हैं। उसके अलावा खेरकेव के जो इनका दारुलकूमत है वो उसमें उसके कुछ एरिए शामिल हैं। उसके अलावा नाज़रीन, मारियोपोल और ओडिशा के भी बहुत से इलाके जो हैं वो शामिल हैं। मारियोपोल पर तकरीबन रूस ने कब्ज़ा कर लिया है, और एटमी प्लान जो है यूक्रेन का, उस पर भी रूस पहले ही कब्ज़ा कर चुका है। और नाज़रीन, इस हमले की वजह से यूक्रेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को इस जंग में खुदाया गया और उसके बाद उसका साथ नहीं दिया गया, क्योंकि मगरबी ममालिक और अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के सामने लाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। इसीलिए यूक्रेनी सदर पिछले 2-3 दिन से मजीद पीट रहे हैं कि इनका कोई भी साथ नहीं दे रहा। फिर नाज़रीन, इस यूक्रेन को इस जंग धकेलने वाले मगरबी ममालिक और अमेरिका हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में की घड़ी में यूक्रेन का कोई भी साथ नहीं दे रहा। जब यूक्रेनी सदर ने मगरबी ममालिक से मदद मांगी तो उसने स्टेटमेंट दिया है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो डरे हुए हैं इस लड़ाई से, क्योंकि नाज़रीन, मगरबी ममालिक कभी भी रशिया का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि
मेन रीज़न ये है कि जो मगरबी ममालिक के तवानाई के ज़खायर हैं वो रशिया से पूरे होते हैं, और अगर वो रशिया के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो रशिया इनके तवानाई के ज़खायर बंद कर सकता है, जिससे पूरा यूरोप वो दिवाली का शिकार हो सकता है। और इसीलिए नाज़रीन कोई भी जो मगरबी ममालिक है वो रशिया के यहाँ गैस नहीं जाएगा। नाज़रीन इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोग के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके।